आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सातवें चरण को लेकर काशी में प्रचार का महाकुंभ चला, जहां पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने चैलेंजर शो भी किया। दोनों के ही रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। वहीं दोनों ही पार्टियों ने शिव की नगरी काशी में शक्ति प्रदर्शन भी किया। देखिए प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। काशी की नगरी में सभी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का वाराणसी में सत्ता का फाइनल होगा। अब 7 मार्च को पूर्वांचल के 7 जिलों में 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अब यूपी चुनाव के ग्रैंड फिनाले की तैयारी है। या यूं कहें तो अंतिम चरण की लड़ाई सभी के लिए करो या मरो वाली होने वाली है, जहां पीएम मोदी ने बनारस में रोड शो कर समा बांधने की कोशिश की, वहीं पीएम मोदी के रोड शो में ऐतिहासिक जनसैलाब भी देखने को मिला। साथियों, ये घोर परिवारवादी की एक खास आदत है, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो नहीं बोलते वही करते हैं। अब मुझे बताइए, ये घोर परिवारवादियों ने कभी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो दंगे करवाएंगे? लिखा था, लेकिन किया क्या? दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था, इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजावाद, कर्मचारियों का शोषण, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से पूरी ताकत से काम किया। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है, दूसरी तरफ घोर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। जान ले बनारस में सब गुरु के होना ही चेला, यहां तो झूठ भरे बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए लोग कह रहे हैं जो आज यूपी की सेवा कर रहे हैं वही अपना काम जारी रखेंगे। इसी के साथ दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी शिव की नगरी काशी में भव्य रोड शो किया। रोड शो को लेकर सपा समर्थकों में खूब जोश नजर आया। इस दौरान सपा समर्थक नारे लगा रहे थे कि काशी में कमाल होगा, 10 मार्च को बदलाव होगा। जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का काशी की धरा पर अलग रूप देखने को मिला। धर्मनगरी में रोड शो करने उतरे अखिलेश बाबा विश्वनाथ के प्रतीक चिन्ह त्रिशूल और डमरू के साथ लोगों से रूबरू हुए। माना यह भी जा रहा है कि सपा हर हाल में हिंदू मतों में सेंधमारी के पूरे प्रयास में जुट गई है। यही कारण है कि आमतौर पर कट्टर हिंदुत्व छवि से बचने वाले अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के दौरान हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर मतदाताओं को अलग संदेश देते दिखाई दिए।
बता दें कि धर्म की नगरी काशी में राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। 54 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में जातीय समीकरण बहुत मायने रखने वाले हैं और यही कारण है कि जिस पार्टी को जहां मौका मिल रहा है वह जातीय समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी के असर से वह सातवें चरण की अधिकतर सीटों पर 2017 जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी, लेकिन सभी पार्टियों को 10 मार्च का इंतजार है। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपने बड़े चेहरों को उतारने का दांव खेला था। ये दांव उन बड़े चेहरों पर खेला गया जिन्होंने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा था या फिर जो यूपी की राजनीति में पुराने खिलाड़ी हैं। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं सूबे के उन बड़े चेहरों से जिनकी किस्मत पर होगी पूरे देश की नजर। बताओ बीजेपी का सफाया करोगे या नहीं करोगे? अब की बार 305। 2022 का चुनाव किसी महामुकाबले से कम नहीं है, यही वजह है कि सूबे की दो बड़ी पार्टियों के दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और सूबे के ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव की। ये दोनों ही दिग्गज इस बार के चुनावी मैदान में हैं। गोरखपुर सदर सीट उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। योगी लगातार कई बार सांसद रहने के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अब पहली बार गोरखपुर सदर से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोरखपुर सदर सीट की जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बाबा गोरखनाथ की धरती पर सीएम योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने दिवंगत उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को टिकट दिया है। उपेंद्र शुक्ला बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उधर करहल विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस बार के चुनाव में अपने गढ़ को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और एक जमाने में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खास रहे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को चुनाव में उतारा है। अगर हम बात करें सिराथू विधानसभा सीट की तो यहां से भाजपा ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने पटेल बिरादरी के आनंद मोहन को टिकट दिया है। बता दें कि सिराथू में पटेल वोटर्स की भूमिका काफी निर्णायक है, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के सामने इस सीट को निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं रामपुर विधानसभा सीट से करीब 2 साल से जेल में बंद लोकसभा सांसद और कद्दावर नेता आजम खान को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आजम खान के खिलाफ 103 मुकदमे दर्ज हैं। आजम लगातार जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो उधर आजम खान के खिलाफ भाजपा ने आकाश सक्सेना उर्फ हनी को मैदान में उतारा है। तो वहीं कैराना विधानसभा सीट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यहां से समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक नाहिद हसन को टिकट दिया है। कैराना से हिंदुओं के पलायन करने का आरोप नाहिद पर लगा है। तो वहीं भाजपा ने यहाँ से मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो उधर
सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट भी इस बार चर्चित हो गई है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के बागी मंत्री धर्म सिंह सैनी को समाजवादी पार्टी ने यहां से टिकट दिया है। सैनी ने कुछ समय पहले ही मंत्री पद और भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन की है। सैनी के खिलाफ भाजपा ने मुकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले विधायक संगीत सोम एक बार फिर से भाजपा की टिकट पर सरधना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संगीत सोम के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को मैदान में उतारा है। अगर हम स्वार विधानसभा सीट की बात करें, सपा ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने ये सीट अपने गठबंधन की पार्टी अपना दल एस को दी है। अपना दल की तरफ से हैदर अली यहां से प्रत्याशी हैं। अब्दुल्ला आजम भी पिछले 2 साल से जेल में थे, हाल ही में उन्हें जमानत मिली है। अब्दुल्ला लगातार खुद और पिता की जान को खतरा बता रहे हैं। तो वहीं भाजपा ने बेबी रानी मौर्या को आगरा ग्रामीण सीट से टिकट दिया है। यह सीट इस बार चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बेबी रानी उत्तराखंड की राज्यपाल थी, कुछ समय पहले ही भाजपा ने उन्हें वापस संगठन की जिम्मेदारी दे दी है। अब उन्हें आगरा ग्रामीण से चुनाव के मैदान में उतारा गया है। तो उधर सपा रालोद गठबंधन की तरफ से महेश कुमार जाटव को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो उधर मऊ की घोसी सीट अचानक से चर्चा में आ गई है। कारण ये है कि यहां से पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। चौहान हाल ही में योगी कैबिनेट और भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। तो वहीं भाजपा ने फिर से विजय राजभर को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। इटावा की जसवंत नगर सीट भी हाई प्रोफाइल है। यहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा है। 2017 में हुए मनमुटाव के बाद अब दोनों के बीच काफी कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। भाजपा ने यहां से विवेक शाके को प्रत्याशी बनाया है। वो इटावा जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी मनोज शाके के बेटे विवेक शाके हैं। विवेक शाके लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। फिलहाल इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद होगा कि इस विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो 2022 के चुनाव के लिए सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी बड़ी रोड शो किए गए, जनसभाएं की गई, बड़े चेहरों को उतारा और इन सब का परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा। तब तक हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।